सो गाइज मैंने लेंस लगा लिया है, ये देखें डिफरेंस और ये देखें डिफरेंस। मेरी वाली आईज बड़ी लग रही है और इसको लगा के आंख हो गया छोटी, और बड़े टाइम बाद मैंने लगाए हैं लेंस। और यार पता नहीं आजकल मेरी आंखों में ना, क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी होती इसलिए आंखों में, यार कतब कसम से आपकी आंख मतलब फेस ही चेंज हो गया। देखें ये ना लंबा लग रहा है और ये गोल शेप में आ गया है ना, छोटा आ गया। हाउ चेंज वाओ। चले यार दूसरा, कसम से मैं वो लड़की थी जो के ना यकीन माने कि घर में नॉर्मल भी लेंस लगा के बैठ जाती थी। काफ़ी टाइम हो गया ना लगाने की वजह से आंखें अब बर्दाश्त नहीं करती। देखा वक्त गाइस सब कुछ चेंज करवाता है। लग रहा यार सेट हो जाए ना कहीं, एक चुभन सी थोड़ी थोड़ी। हम लोग कामयाब हो गए हैं और लग चुके हैं लेंस, और अब हम थोड़ी देर ना ऐसे ही इधर उधर देखेंगे कि ये थोड़ा सेटल हो जाए। बड़े शार्प लग रहे हैं, तो मेकअप कैसा करना है ये तो मुझे नहीं पता। तो पहले लगाएंगे कंसीलर, मैं अपनी आईज को प्रेप कर लूँगी अच्छे से, चाहे फिंगर की मदद से करें और चाहे स्पंज से करें। लोगों को देखने में लग रहा होगा पता नहीं मैंने क्या लगा लिया, कंसीलर लगाया अपनी स्किन से डार्क, क्योंकि जो आप शेड लगाएं वो नज़र आना चाहिए। नहीं तो मेरे पास लाइट कंसीलर भी था, मैंने कहा नहीं अब यही लगा लेते हैं कि थोड़े जो कलर्स मैं आई शेड के लगाऊंगी तो नज़र आए। ठीक है मैं ये भी, अब इसके बाद हम लगाएंगे बेस 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 अपने हाथ पर लगा लेते हैं। इतनी सी रहती हुई काफ़ी है यार, इतनी सी भी इससे करते हैं ऐसे 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 ट्रैक। देखने में लग रही है बहुत वाइट है, बट देखने में नहीं रियल में भी वाइट ही होगी, बट ये वक्त के साथ टाइम के साथ साथ या आपकी स्किन के साथ ना वो हो जाती है, मींस के जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना सेम आपकी स्किन की तरह का हो जाता है कलर, जैसे आपका रियल कलर है। अब ये ना जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि ये ड्राई होती है और उधर ही वो हो जाती है, जम जाती है, जम जाएगी ना, जम जाएगी। मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे पेंट कर रहे हो, ओके आपने भी अपने मुंह पे ऐसे करना है जैसे पेंट कर रहे हैं। ये देखें गाइस ब्लेंडर, तो कुछ बेस ऐसे लगी है। एक गलती हो गई है कि मॉइस्चराइजर नहीं लगाया और पूरी स्किन हो गई ड्राई। लगाएंगे शेड वगैरह आईज पर, ये वाला ही पैलेट आजकल मेरे हाथ तो चल रहा है, जब भी देखो ये वाला पैलेट। लाखों पाए मैंने आई मेकअप डन कर लिया है पर्पल सा, क्योंकि मेरे ड्रेस में है थोड़ा पर्पल पर्पल, तो हमने, और अब हम बनाएंगे आईलाइनर। हम लगाने लगे हैं आईलाइनर, तो असल को हम घर छोड़ के जाएंगे। चेक करें मेरा आईलाइनर, एक तो परफेक्ट लगता है, अब दूसरे का सीन चेक करें क्या होता है, मतलब चेक करें ये परफेक्ट है विंग और ये चक्कर हाथ धो गया पीछे, तो असल रेडी हो रही है रो रही है, और वाइब्स देना जरा मुकद्दस
तो गाइस हम वाइप की मदद से ये अब खराब तो हो सकता है। कभी ऐसा हुआ है किसी की भी जिंदगी में, लड़कियों का स्पेशल, कि आईलाइनर एक ही टाइम? और लगता है कभी कभी जिस जगह पे नहीं जाना होता ऐसे घर में फजूल तैयार होना तो परफेक्ट लगेगा, ऐसा भी नहीं लगता जैसे। फिर मैं कहती हूँ यार जब मुझे जाना होता तब क्यों नहीं लगता, साफ तो कर लिया। अब जो बेस का स्पंज था इसको वापस आपने ड्रैग करना है, टैप 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 जिस जगह पे आपने उतारा है। और हम दोबारा से अब लगाएंगे आईलाइनर विंग। सो गाइस आईलाइनर लग चुका है और तोसल का पीछे बहुत शोर है क्योंकि वो तैयार होते हुए रोती रहती है। एक विंग ऐसे लगाए बट बस, और मैं सेट नहीं कर सकती, और किया तो खराब हो जाएगा। यू नो ये वाला पैलेट है जिसमें से हम ये निकाल रहे हैं और मैं आज ओरिजिनल वॉइस में व्लॉग बना रही हूँ, पीछे कितना शोर है वो आपको नजर आ रहा है। ये वाला हम अपने आईज के यहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस मेरा फाइनल मेकअप हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रह गया। यकीन करें इतनी मुश्किल से मेकअप हुआ ना कि तो उससे ज्यादा रो रो के पागल हो रही थी, कपड़े नहीं पहनने, तैयार नहीं होना। तो फाइनली मम्मा उसे लेकर गैलरी में की है एंड देन मैं अब मस्कारा लगा लूँ। कितना खूबसूरत मेकअप लग रहा है यार, इतना प्यारा मेकअप मैं कैसे कर सकती हूँ। और फाइनली जो लेंस लगे हैं ना क्रेजी है, लेंस कलर बहुत खूबसूरत है। और चलो यार अब लगाते हैं मस्कारा। बस मुंह टेढ़े मेढ़े नहीं बनाने क्योंकि पता नहीं क्या लड़कियों की आदत है कि हम लगाते हुए ना मुँह टेढ़े मेढ़े करते हैं, तो अब लगा लेते हैं अच्छे से। ये बड़ा अच्छा मस्कारा है मेरा, आई लव। फाइनली कोई चीज़ मुझे भी अच्छी मिल गई, नहीं तो मेरे से डिसाइड ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी। उस दिन मैंने समझे मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप की शॉपिंग की और उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें अच्छी निकली, बाकी जो मैंने लिया आज तक अभी तक यूज़ भी नहीं किया क्योंकि उसके रिजल्ट मैंने सुने तो मेरे अच्छे लग रहे थे। अच्छा कुछ लड़कियों का देखा वो नीचे नहीं लगाती लैशेस पे, नीचे वाली लैशेस पे। यकीन करें मैं ना पहले मेकअप करती थी ना हर चीज सामने होती थी, मैंने जब से छोड़ा ना इन सबको कहा कि तुम लोग संभालो, टक्का नहीं मिला, मतलब कुछ मिला ही नहीं मुझे। और फर्क चेक नहीं, इस पे लगा हुआ इस पे नहीं लगा हुआ, आईज बड़ी और छोटी, थोड़ा सा और लगाएंगे, भर भर के लगाएंगे, जितना हो सके लगाएंगे। यार बहुत खूबसूरत लग रही है, एम जी लग रही है। चलो इस आंख। सो गाइस ये है मेरी फाइनल लुक। जो लोग 5 घंटे लगा के मेकअप करते हैं और मैंने शायद 5-10 मिनट में ही मेकअप कर दिया है, लोग समझते हैं पता नहीं मुझे कितना टाइम लगता है। गाइस नहीं लगता मुझे टाइम, टक टक टक, क्योंकि नॉर्मल डे मेरी आई थिंक तो एवरीडे मेकअप लुक हो गया ये मेरा। खैर आईलाइनर आजकल मुझे शौक आया हुआ विंग आईलाइनर बनाने का, जो आपने देखा था कितनी बार गलत हुआ कितनी बार ठीक हुआ। और बाल मैं कुछ ऐसे रखूँगी, ड्रेस पहन के आते हैं तो दिखाते हैं बाल ऐसे अच्छे लगेंगे और या बांधे हुए अच्छे लगेंगे। लेट्स गो गाइस ड्रेस चेंज करते हैं। रेडी हो चुकी हूँ फाइनली, बालों को हम स्ट्रेट ही रखेंगे क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट ही थे, डेड स्ट्रेट हुए हैं तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि जलाओ दोबारा। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना ये भी एंड करती हूँ। आई होप सबको मेरा फुल व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।